हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, फैशन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। लेकिन फैशन डिज़ाइनर कैसे बने, इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि एक बेस्ट फैशन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, और फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए हमें कौन कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए, और बेस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, हम कहाँ से बेस्ट फैशन डिज़ाइनर बन के निकल सकते हैं। आज हम सारी बातें करेंगे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम एक बेस्ट फैशन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि फैशन डिज़ाइनर बनने से पहले कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है। फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ही डिफरेंट वर्क है। फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ही डिफरेंट वर्क है, मैंने आपको पहले भी बताया। आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग वह है जो आजकल के यंगस्टर्स फैशन के नाम पर जो तरह तरह की ट्रेंडिंग ड्रेसेस नहीं चल रही हैं मार्केट में आती हैं, एक्सेसरीज हैं, ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, जो मार्केट में न्यू आता है उसे एक फैशन डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है, और किसी चीज़ को डिज़ाइन करना वही फैशन डिज़ाइनिंग कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि फैशन डिज़ाइनर बने कैसे। तो बेस्ट फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आपकी सीढ़ी क्लास 10 से ही बनने स्टार्ट हो जाती है कि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 10 से ही हमारी फैशन डिज़ाइनिंग की सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। हम क्लास 10 से किसी भी कोर्स को करने के लिए हमारा डिसीज़न क्लास 10th होता है। हमें क्लास 10th से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है। तो जैसा कि क्लास 10 से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। तो फैशन डिज़ाइनिंग में करियर बनाने के लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री डिप्लोमा कोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। या कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले 10th और 12th में 50% मार्क्स से पास होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 10th एंड 12th में 50% मार्क्स के साथ पास करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक प्रतिष्ठित संस्था में एडमिशन मिल सकता है। फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स को एक करने के लिए एडमिशन मिल सकता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस देना होगा। आप अगर इंट्रेंस में पास हो जाते हैं, आपकी रैंक अच्छी आ जाती है, तो आपको निफ्ट में एडमिशन मिल सकता है। इसमें ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जैसे कि कैट, केट, जीडी, पीआई आदि देना होता है एग्ज़ाम। लेकिन इसमें मैथ्स, बेसिक नॉलेज एंड इंग्लिश जैसे ड्राइंग से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर देना होता है। वैसे तो फैशन डिज़ाइनिंग करियर बनाने के लिए एजुकेशन से ज़्यादा आपको क्रिएटिव होना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, आपको उस वर्क में इंटरेस्ट है, तो आप बेस्ट डिज़ाइनर बन सकते हैं। ये तो बात होगी कि फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है और फैशन डिज़ाइनिंग क्या है। अब बात करते हैं कि फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए कोर्सेज कौन कौन से हैं। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये तो बात हो गई कि बेस्ट फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, लेकिन अब जानते हैं कि फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। तो फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट जाने से पहले अब जान लेते हैं कि फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो बेस्ट कोर्स मैं आपको बताती हूँ कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे आप एक बेस्ट फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो फर्स्ट आता है बी डिज़ाइन। तो बी डिज़ाइन ये 4 ईयर्स का कोर्स है, और इसके लिए हायर सेकेंडरी की क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है बीए हॉन्स फैशन डिज़ाइनिंग। इस कोर्स को करने के लिए 4 ईयर्स का समय लगेगा, और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड आता है बीए हॉन्स फैशन डिज़ाइन। इस कोर्स को करने के लिए आपको 4 ईयर्स का समय लगेगा, और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। थर्ड आता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अब आता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग। इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री की होती है, और यह कोर्स 2 साल का होता है। फिर आता है बीए हॉन्स इन फैशन डिज़ाइनिंग लाइफस्टाइल बिजनेस मैनेजमेंट। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास 12th पास होना बहुत ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ। इस कोर्स को की ड्यूरेशन 3 से 4 ईयर्स होती है, मतलब 3 से 4 साल की ड्यूरेशन होती है इस कोर्स को करने के लिए। फिर आता है फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन। इस कोर्स को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 12th क्लास होती है, और यह डिप्लोमा कोर्स 1 साल का होता है। फिर आता है मास्टर
इन फैशन टेक्नोलॉजी, इस मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी को करने के लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्था से 45% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री का होना बहुत इम्पोर्टेंट है या 2 साल का कोर्स होता है। और लास्ट है डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, या भी 2 ईयर्स का कोर्स है, इसको भी मान्यता प्राप्त संस्था से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैचलर डिग्री का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो बात हो गई कि फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स करें कैसे। तो फैशन डिजाइनिंग कोर्स को करने के लिए आपको बहुत सारे पॉपुलर इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ से आप फैशन डिजाइनिंग के कोर्स कर सकते हैं। अगर आप उन इंस्टीट्यूट संस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट के बारे में हम आपको बताते हैं। फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे निफ्ट कहते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, ये अहमदाबाद में है। फिर आता है सोफिया पॉलीटेक्निक, जो कि मुंबई में है। फिर आता है SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी, मुंबई में है। IITC मुंबई में है। JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसकी शाखा मुंबई, जयपुर, लखनऊ में अवेलेबल है। फिर आता है पर्ल फैशन एकेडमी, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, जयपुर में है। फिर आता है साउथ दिल्ली पॉलीटेक्निक, जो कि न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। ये थे कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि आपको एक बेस्ट फैशन डिज़ाइनर बनने में हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो हाउ टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर पसंद आई तो आप और फैशन डिज़ाइनर कैसे बनते हैं के बारे में आशा करते हैं आपको सब जानकारी मिल गई होगी। अगर और आपके सारे सवालों का जवाब भी, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मैं आशा करूँगी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर दूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे सकूँ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।